राजधानी दिल्ली के नरेला इलाके में आज डीटीएफ के कई अधिकारी पहुंचे, जहां उन्होंने डीटीएफ फ्लैट बन रहे हैं उनका दौरा किया और साथ ही साथ 15,000 फ्लैट जो बनकर तैयार हो चुके हैं उनका भी निरीक्षण किया। यहां पर जो फ्लैट बनकर तैयार हो गए उनकी क्वालिटी और फिनिशिंग को बड़े ही बारीकी से डीटीएफ के अधिकारियों ने देखा और अब उनका कहना है कि जनवरी नरेला इलाका है, ये भले ही दिल्ली का एक अलग होना पड़ता हो लेकिन यहां पर जो प्लानिंग की गई है वे बिल्कुल मॉडल टाउन और किसी भी पोस्ट कॉलोनी की तरह की गई है। यहां कुल 70,000 फ्लैट बने हैं जिसका काम लगातार जारी है और साथ ही साथ इन्हीं अपार्टमेंट नेम ऑफ फ्लैट है, इन्हीं के अंदर स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग कम्प्लेक्स, तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इनके साथ साथ कुछ प्राइवेट बिल्डर्स को भी लैंड खरीदने का मौका दिया जाएगा जो कि अपने तरीके से यहां पर बिल्डिंग बना सके। फिलहाल डीटीए द्वारा 15,000 बिल्डिंग में बनकर तैयार की जा चुकी है जिनका काम पूरा हो चुका है और नरेला इलाके में बहुमंजिला इमारतें द्वारा तैयार की गई है। इसी तरीके की आने वाले समय में तैयार होंगे, मौजूदा दौर में ग्रामीण इलाके की तरह जाना जाता है लेकिन जब यहां पर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी तो नरेला किसी भी पोस्ट कॉलोनी से कम नहीं नजर आएगा। आज का दौरा यहां पे नए फ्लैट वीडियो बना रहा है और इसमें अभी बहुत जल्दी लोग रहने लग जाएंगे, तो हम ये देखने आए हैं कि इन फ्लैटों की अप्रोच कहां से अच्छी हो सकती है। ये एरिया जो है वो थोड़ा दूर है लेकिन यहां पे 70,000 फ्लैट बनने जा रहे हैं इसी एरिया में। अभी तक लगभग 15,000 फ्लैट तैयार हो चुके हैं और अभी बहुत जल्दी हर साल काफ़ी फ्लैट तैयार होते जाएंगे। दुकानें भी हैं, कमर्शियल एरिया भी हैं, स्कूल भी बनेंगे और हॉस्पिटल भी बनेंगे, सारा एरिया अच्छी तरह से बसेगा और जो बाहर और लैंड बच गया उसको अभी हम रीप्लान करा रहे हैं, बिल्कुल मॉडर्न टाउन यहाँ बनेगी, बहुत अच्छी टाउन बनेगी। कुछ प्राइवेट को भी हम ज़मीनें देंगे ताकि प्राइवेट डेवलपर्स भी यहाँ आएँ। तो ये पूरा नरेला का जो एरिया है बिल्कुल मॉडर्न और अच्छे शहर के रूप में बसने जा रहा है। ये जो अभी फ्लैट हैं ये तो आप अंदर से देख सकते हैं, तो बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन हुई है और इसमें दुकानें अभी कुछ बनी हैं वो दे देंगे हम ताकि दुकानें खुल जाएं। पार्किंग नीचे अच्छी बनी हुई है, पार्क अभी आसपास सारे पार्क्स हैं जिसको अभी डेवलप करना है, वो पार्क भी रेडी हो जाएंगे, ग्रीन एरियाज़ बहुत अच्छे हो जाएंगे, सड़कें और कनेक्टिविटी ठीक हो जाएगी, बिजली पानी की व्यवस्था भी अभी हमने रिव्यू की है और नहीं हो जाएगी जब लोगों को देंगे उससे पहले सब कुछ होगा, पानी की व्यवस्था है, बिजली की भी है और अभी कुछ प्लॉट्स ऐसे हैं जहां स्कूल आएंगे, कुछ जगह कॉलेज आएंगे। नरेला को हम एजुकेशन हब के रूप में भी डेवलप करने जा रहे हैं, सो हमने कुछ प्लॉट आइडेंटिफाई करे हैं जहां यूनिवर्सिटीज़ आएंगी, सो लगभग 3-4 प्लॉट ऐसे हैं जहां पे यूनिवर्सिटीज़ को लाना है। ऑलरेडी एक इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत बड़ा यहाँ बन रहा है NIIT, उसके साथ ही अभी एक और यूनिवर्सिटी ने हमसे लैंड मांगी है तो वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उसको भी लैंड देने जा रहे हैं। सो नरेला जो है वो एजुकेशन हब बनेगा। सर आज आप आने वाले थे तो इसी रोड पर सफाई की है, इससे पहले इस रोड पर काफ़ी धुंधे और गड्ढे ज़्यादा हैं, तो जो जहाँ जहाँ एरियाज़ डेवलप हो रहे हैं वो आज मैंने यही बोला है कि जहाँ जहाँ फ्लैट रेडी होते जा रहे हैं उनकी रोड अभी ये पक्की कर देंगे, बिल्कुल पक्की और ठीक कर देंगे।